अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हूर फातिमा और आप देख रहे हैं मुमताज न्यूज। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। डिप्टी ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के सामने ट्रैफिक कांस्टेबल तैनात। तफसीलात के मुताबिक गुजरात के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के सामने ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। तालबात के साथ साथ जिला फर्ज से सरकारी इमदाद हासिल करने वाली बेनजीर इनकम सपोर्ट की सैकड़ों खवातीन के हुजूम से ट्रैफिक जाम के अलावा पैदल राहगीर भी मुतासर हो रहे हैं। 1200 से ज्यादा तालबात ज़ेर तालीम है। इंटरमीडिएट का इम्तिहानी सेंटर होने से दिन भर बच्चों का रश जमा हो जाता है। इस अफरा तफरी और अमन आमा की बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस लेते हुए सीनियर सहाफी मोहम्मद अनवर की तवज्जो दिलाने पर और अवाम के इसरार पर और DSP ट्रैफिक चौधरी मोहम्मद असलम गोंदल ने एक हेड कांस्टेबल शबीर अहमद को वहां तैनात कर दिया है। कांस्टेबल ने जिम्मेदारियां संभाल के काम शुरू कर दिया है। अवामी हलकों ने DSP को खराज तहसीन पेश किया है। मोहम्मद अनवर, डिप्टी ब्यूरो चीफ, मुमताज न्यूज, गुजरात, मंडी, बहावती।